मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ, आपकी चुनार की धरती को माथे पे चंदन लगा के आपका अभिनंदन करता हूँ। एक जोरदार तालियां हो जाए। संचालन कर रहे देश के सुप्रसिद्ध बड़े कवि आदरणीय गुरुवर कमलेश राज हंस जी के चरणों में श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। आदरणीय कमल कमलेश्वर कमल जी के चरणों में अपने प्रणाम निवेदित करते हैं। आप अपने बड़े भाई रमेश पांडे जी और प्रधान संघ के जितने लोग उपस्थित हैं सभी प्रधानों को नमन करता हूं। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, दोनों को वोट पाकर तू प्रधान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, दोनों को वोट पाके तू प्रधान बनेगा। और संसद में जाके तू कभी नेता नहीं बनना, वरना तू बंबई में जाके डान बनेगा। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। ये जितने लोग परिचित हैं, हमारे मित्र शशिकांत सिंह आने पोइट्रिक अड्डा से हम लोगों की शूटिंग कर रहे हैं। ये वीडियो भी इंटरनेट पे आएगा और बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। आदरणीय मुझे श्री पवन कुमार सिंह जी जो अपने वीडियो साहब हैं, हम लोग वीडियो बहुत देखते हैं लेकिन ऐसा वीडियो पहली बार देखा। हमारे वीडियो साहब हिंदी वाले वीडियो हैं। हाँ, अच्छा अच्छा समझ गए। अच्छा जो बहुत अच्छा है, इनको तो मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान करें इस वीडियो को लोग इतना लाइक करें कि लोग कई मिलियन में ये चले जाए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी मुस्कुराहटों से देखने में ऐसे लगता है जैसे उठ के सुबह आप कोलगेट खाते हैं, क्योंकि मोतियों की तरह इतने चमकीले दांत बहुत कम अधिकारियों के होते हैं। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान करे आप इसी तरह हर जन्म में आप वीडियो बनते रहे। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो ऐसा कर बिहारी की अपनी मोच मुड़वा कर समलैंगिक पाणी ग्रहण संस्कार। आदरणीय कमलेश राजहंस जी की टिप्पणियां पूरे देश में मशहूर हैं। मैं इन टिप्पणियों के लिए नमन करता हूं। और जहां जहां टिप्पणियां आपको अच्छी लगे, होली के इन रंगों को और रंग चाहिए, क्योंकि जितने होली त्योहार का ये मोहब्बत का दिन है, इतना बढ़िया से आप लोग मना रहे हैं। कहते हैं कि जो है हमारे बीच में एक नाम तो बहुत ही ये खतरनाक नाम है। खतरनाक नाम है। हाँ, अपने नायब तहसीलदार साहब का, ये नटवरलाल साहब, इन पे बहुत पिक्चरें बनी हैं, लोगों ने बहुत देखा हुआ है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। एक बार नटवर जी कहाँ बैठे मैं देख लेता। अरे बहुत अच्छा है नटवर नागर नंदा भजोर मन हर गोविंदा। मैं प्रणाम करता हूँ नटवर भैया, आप इसी तरह नटखट माहौल में भी खटखट अपना काम करते रहे, फाइल बढ़ाते रहे। मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय सत्येंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ इंजीनियर साहब हैं, आप जहाँ भी अपना हाथ रख दें एक पुल बन जाए भले दूसरे दिन गिर जाए। तालियां हो जाए जोरदार। मैं सबको बहुत ही नमन करता हूँ। ढेर सारे दुआएं आपकी चाहता हूँ कि आज मंच पर कोई बदायूं का पेड़ा है तो कोई राजधानी की जलेबी रसवान है, कोई मुरादाबाद का है रसगुल्ला मीठा मीठा, कोई तो मेरठ की बालूशाही छविमान है, कोई तो लखनऊ की गजक जैसा सस्ता है, और कोई तो बरेली की मिर्ची के समान है। कोई माने या न माने मुझको तो लगता है आज का ये मंच हलवाई की दुकान है। सब छान छान के मिठाइयां मिल रही हैं आपको, नए नए रसों की। लेकिन कहते हैं जो है आपका बड़ा, मैं देश का वो कवि हूँ जो नमक के बोरे पर चीनी का लेबल लगाकर चींटियों को बेवकूफ बना देता हूँ। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं सबको आपको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। और जितने लोग उपस्थित हैं सब भाईचारा और एकता की
एकता के संदेश देते हुए ये मंच अपने बड़े भाई डंडा बनारसी और बड़े भाई सत्येंद्र पांडे सत्येंद्र जी जो कि सतना की धरती से आकर के वीर रस के ओज की धारा यहाँ बहाए, चुनार की इस गंगा की इस विशाल विहंगम हृदय में आकर उन्होंने अपना ये स्नेह पुष्प लुटाया। मैं उनको बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। अब विभा जी बैठी हुई है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, फिर निगाहों में एक सवाल आया, देखते देखते कई साल आया, तब तुम्हारी तरह ये बाल आया। और जब रमेश पांडे ने बुलाया तब बिहारी लाल आया। और तब पंक्तियां कहते हैं जो है कि मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, एक छोड़ के गई है तो एक आई अभी अभी। इसी तरह मिलती रहती है। देखिए कुछ जानदार पंक्तियां सुनाता रहूंगा, ये जरूरी नहीं कि बना हुआ है कि मेरा चेहरा, ये रमेश पांडे जी कहते हैं, ये हमको रोज वीडियो कॉलिंग करते हैं और चार पंक्तियां कहते हैं कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए, लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए, और जिसको खाना खिलाऊं उसकी तबीयत खराब हो जाए। और मैं खाना कभी नहीं बनाती, भाभी बनाती रहती हैं। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे बद्री विशाल जी बैठे हुए हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं, बड़े भाई हैं। एक दिन बद्री विशाल जी की मिसेज तीजा त्योहार पे तैयार हो गई, कहे हम जाएंगे मेला घूमने। बोले अकेले जाओगे? बोले इतनी सजी सवरी हैं, अकेले ही काफी। तो इन्होंने चार पंक्तियां जो कही मैंने उसको कविता में आप तक पहुंचा दिया, एक मुक्तक के रूप में हंसाने के लिए। इन्होंने कहा, ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा, जो इतना सजे संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेगा, मेला कौन देखेगा तुम्हें। दादा कमलेश राजहंस जी बैठे हुए हैं, ये राजहंस हैं और हम लोग इन्हीं के वंश हैं, इनके अवैध अंश हैं, और हम भगवान कृष्ण हैं, ये महाराजा कंस हैं। तालियां हो जाए तो बता। दादा को भी निपटा देता हूँ इसी लागे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दादा को कौन निपटाएगा। कमलेश राजहंस जी को हम ही निपटा सकते हैं, छोटे मोटे बच्चे ही। तो ये भी रस के कवि है, हास्य रस का एक कवि, इनको धीरे से निपटा देगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब कैसे निपटा देंगे, अगर निपटा देंगे तो आप तालियों में निपटा करके थोड़ा सा सम्मान बढ़ा देंगे तो लगेगा होलियाने अंदाज में चुनार आ गया है, क्योंकि राधा का रूप लाल लाल हुआ फागुन में, कान्हा का प्यार इंद्रजाल हुआ फागुन में, कलियों का सुर्ख सुर्ख गाल हुआ फागुन में, पूरा ये मौसम ससुराल हुआ फागुन में, जो भी हुए बहुत अंत संत हुए फागुन में, पी के सब भंग नील कंठ हुए फागुन में, फागुन की बात बड़ी न्यारी है भैया, अच्छे से अच्छे यहाँ लंठ हुए फागुन में। तो सभी लंठों को प्रणाम करता हूँ। और दादा कमलेश को चार पंक्तियों के चरणों में रखते हुए हास्य की कि जो मन को साफ कर दे वो झाड़ू तो नहीं है, पेचीदा है इतना ये जुआरू तो नहीं है, चाल चलन देखने के बाद ये लगा ये आसाराम बापू के सारू तो नहीं है। इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। और ये सारी जो है आपके बीच में उपस्थित भाई किशोर जी बैठे हैं, वो तो बहुत चीजें बोल गए। और जहाँ तक कमलेश दादा ने ये बात कही थी, एक 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 साहब जो है वो उनको फांसी हो गई, तो जज साहब ने कहा आपकी कोई आखिरी इच्छा,
बोले ऐसा हमारी इच्छा ये है कि जब हमारे बेटे की हम अपने बेटे की शादी कर ले तब जो है आप हमको फांसी दें। तो बोले कि एओमस ऐसा ही होगा। और शादी कब है? तो उन्होंने कहा पहले हम अपनी शादी करेंगे, फिर लड़का पैदा करब तब ओके शादी कर तब आप फांसी दिया। तो इसमें तमाम गुंजाइशें होती है। एक साहब थे, यहाँ तमाम वकील बैठे हुए हैं। वकील वो कील होता है जो मुवक्किल के झील में कई मील तक कील गाड़कर उसको सील कर देता है। तब गुड गुड तो अपील और दलील के साथ गुड फील कर देता है। यहाँ जितने लोग बैठे जितने बैठे प्रणाम। संजय भैया हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और प्रधान भी है। संजय संजय भैया वरिष्ठ अधिवक्ता प्रणाम करते हैं। सब रुपए का आशीर्वाद है, दादा बुरा न मानिएगा। हम क्यों बुरा मानेंगे? इसलिए कि कहते हैं कमलेश राजहंस दादा कि कविता में रुपए देने का रिवाज नहीं है। नहीं वो पेमेंट हम कहते हैं अमर भाई, वो पेमेंट में कम हो जाएगा लिफाफे में। नहीं नहीं दादा कमलेश राजहंस कहते हैं कविता में रुपए देने का रिवाज नहीं है, और हम कहते हैं अगर कोई प्यार से दे रहा है तो ऐतराज नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो अरे यार ये सोचो यार, तू बालू से तेल निकाल रहा है, वकील से तू पैसा मांग लेगा? दादा ये बात एकदम बिल्कुल है। ये वकीलों का ही अंदाज निकला तो है। सब वकीलों की शख्सियत का अंदाजा क्या लगाओगे गालिब, कि शमशान से गुजरते हैं तो मुर्दे भी उनके पूछते हैं वकील साहब वो वाला केस चला रहे हैं कि बंद कर दिए। यानी ये लगातार चलने वाली एक विधा है। वकालत कभी खत्म नहीं होती। फाइलों का बोझ बढ़ता जाएगा, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और फाइलें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक आप खत्म नहीं होंगे। इसीलिए वकील के बदन पर पड़ी हुई वर्दी एसी होती है। गर्मी में भी गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में भी सर्दी नहीं लगेगी, बरसात में भी वो नहीं भीगेगी। वो वर्दी हमेशा एसी वर्दी है और वो सबसे बड़ी वर्दी है दुनिया की। इसलिए अंबर भाई आज कविता की चार पंक्तियां कहते हैं। रमेश भैया कहते हैं तुम नाप नहीं पाओगे कई मीलों का देश है, तुम नाप नहीं पाओगे कई मीलों का देश है, नदियों का पहाड़ों का ये झीलों का देश है। ऐ दुनिया वालों जितना केस हो लाओ हमें लड़ लेंगे, ये अपना भारत देश वकीलों का देश है। यहाँ सब जो है आए दिन ये रोजे हालत चलती है, पानी बिजली नहीं अदालत चलती है। आए दिन ये रोजे हालत चलती है, पानी बिजली नहीं अदालत चलती है, फिर भी मिल जाती है रोटी दो जूनों की, फिर भी मिल जाती है रोटी दो जूनों की, मुर्गी फंसती नहीं वकालत चलती है, चलती रहती है वकालत। एक ऐसा है जो आपको सहारा दिए। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुवर, आपका स्नेह मिला, आपका प्यार मिला, इसीलिए कहते हैं पहले नफरत किसी आही को मिटाया जाए। वीडियो साहब पहले नफरत किसी आही को मिटाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, जिसके साए में रुके हिंदू मुसलमान दोनों, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। आई और मुझे पंक्तियां फिर से याद आ गई कि होली त्योहार मोहब्बत से मनाया जाए, रंग चाहत का फिजाओं में उड़ाया जाए, दोस्तों से तो मिला करते हैं सब होली में, दुश्मनों को चलो सीने से लगाया जाए, दुश्मनों को चलो सीने से लगाया जाए। आपने बहुत बढ़िया से सुना, थोड़ा सा और सुनाने का मन करता है। और कहते हैं कि जो है छुप छुप के मेरी तुमसे बहुत बात हुई है, छुप छुप के मेरी तुमसे बहुत बात हुई है, तब जाके मोहब्बत की शुरुआत हुई है, दीवानगी हमारी तब खतरे में पड़ गई जब लात और जूतों की बरसात। तो दाल खाते हैं भात खाते हैं फिर मोहब्बत में लात खाते हैं, और जब जब चप्पलों की बारी आती है बापू तो एक साथ खाते हैं। दुबला हूँ पतला हूँ हनुमान बन जाऊंगा, आपने जिताया तो प्रधान बन जाऊंगा, एक बार दिल से लगा के तो देख गोरी कपड़ा उतारू तो सलमान बन जाऊंगा।
तो मैंने कहा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झाके, वो भी तुमको झाके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, अब सब लेते हैं तेरी सेल्फी, अब तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तो हमको तुमसे प्यार हुआ है हुआ हुआ, लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार, झुआ झुआ ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पिकौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ, हमको तुमसे प्यार हुआ है हुआ हुआ, हे हुआ हुआ, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे। लड़कवा प्यार मांग रहा है माई बाप से कि अब प्यार देने का समय आया है, लड़की फेसबुक पे फंस गई है, उसको रुपया चाहिए, बढ़िया डिनर चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए। अब लड़का असली प्यार माता से मांग रहा है, पिता से। अब क्या कहता है, दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे, हमें प्यार दे, 20,000 उधार दे, नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे, हे अम्मा बाबू प्यार दे प्यार दे प्यार दे। ये कोई कविता नहीं है, इसे आप कविता तो नहीं समझ रहे हैं, मतलब हम सोच रहे हैं कहीं गलत फहमी में ना हो, ये कविता नहीं है, हमसे कविता बनती ही नहीं, आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हैं, इसमें कविताएं कहीं भी नहीं है, लेकिन कहते हैं जो है अंबर भाई, हाँ, जिस तरह से आपको पुरुष समझ रहे हैं उसी तरह से इसको कविता समझ रहे हैं। जी जी जी, इसलिए कहते हैं जो है, चार पंक्तियां और सुनाते हैं, अब बड़ा बढ़िया से आप सुन रहे हैं, इतना बढ़िया से सुन रहे हैं तो मुझे कुछ पंक्तियां और सुनाने का मन करता है कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे तरासा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कन्फ्यूज हो गए, सब दे और मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी मुझको अनफ्रेंड हो गई, उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई, वो उससे प्यारा तो कोई मिला ही नहीं, उसके जैसा तो प्यारा मिला ही नहीं, मुझसे बिछड़ा दोबारा मिला ही नहीं, कूद कर जान दे दूं ये सोचा तो था, मुझको कोई इनारा मिला ही नहीं, मुझको कोई इनारा मिला ही नहीं। अब पंक्तियां चाची, यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, यहाँ सब बुजुर्गों को नमन करता हूँ, एक जगह चार बूढ़े सब मार्निंग वॉक करके चले गए, सिर्फ चार बूढ़े नहीं गए, हमके आप लोग घर नहीं गए, मार्निंग वॉक खत्म नहीं हुआ, बोले मार्निंग वॉक की बात नहीं है, अफसोस ये है जवानी चली गई, हमने कहा ऐसे लग रहा है टिकट कंफर्म है और राजधानी चली गई, हम कहे जवानी चली गई तो क्या हुआ, तो हमने उनसे कहा प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी, तो मैंने कहा ये जवानी ऐसे ही नहीं गई है, बोले कमर टेढ़ी हो गई, अब कोई ध्यान नहीं देता, अब कोई अट्रैक्शन नहीं रहा, हमने कहा जाने तो छोड़ करो चाहे जिधर गई, अच्छा है बुढ़ापे में जिंदगी सुधर गई, ये कमर आपकी ऐसे नहीं हुई है टेढ़ी, ये झुक झुक के देखती है जवानी किधर गई, ये झुक झुक के, तब उस पर कहा ये बैठे हैं दादा कमलेश दादा, उधर कमलेश्वर कमल दादा को सिर्फ दो चार पंक्तियां दे गई दादा, कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया, इन सब मोहब्बतों की उम्मीद न
न डरना, ये वो जलेबियां है जिनका रस निकल गया। और अगर रस निकल गया हो तो ये आप इसमें न उम्मीदी न रहिएगा, इन बूढ़ों को दबाएंगे तो थोड़ा थोड़ा रस अभी भी निकल सकता है। इन चार पंक्तियों में रस निकालने की कोशिश करते हैं कि गिर गए दांत तो मसूर हो का हाल क्या होगा, स्वच्छ अभियान में पूरों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है, तो आस पास के बूढ़ों का हाल क्या होगा, तो आस पास के। और ये होली का अंदाजे बयान, सभी लोग अपने अपने अंदाज में हैं, इसलिए चार पंक्तियां सिर्फ कहते हैं। कवियों की धरती है, चुनार ऐतिहासिक नगरी है, मुझे इतिहास के पन्नों का मंजर याद आता है, झुका था राम के आगे समंदर याद आता है, फना सब हो गए दुनिया में जितने भी बहादुर थे, मुझे यूनान का राजा सिकंदर याद आता है, मुझे यूनान का, इसलिए कहते हैं जो है। चार पंक्तियां और आपके बीच में रखते हैं, हाँ चार पंक्तियां रखते हुए। अरे फगुनवाया वाना पिचकारी में भरी रगनवाई, फगुनवाया वाना पिचकारी में भरी रगनवाई, फगुनवाया वाना तो खेतवा खड़ी मटर महारानी करेली हंसी छिठोली, और अरहर की छिमिया से निकले मीठी मीठी बोली बाज चनवा के झुंझुनवाई, फगुनवाया वाना बाज चनवा के झुंझुनवाई, फगुनवाया वाना। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारे नमन। आज तो कुछ भी नहीं गाऊंगा, कल तेरा गीत गुनगुनाऊंगा, रात ये ढल गई तारों की कसम, कल सुबह किरण बन के आऊंगा, आज अंबर को माफ कर दीजिए, कल कोई गीत फिर सुनाऊंगा, और वतन तेरा गौरव घटाने से पहले ये सर काट दूंगा झुकाने से पहले, अगर दर्द तेरा नहीं लिख सका तो कलम तोड़ देंगे चलाने से पहले। आप बिहारी